हेलो फ्रेंड्स, मैं माइंड हिप्नोटिज्म चैनल से आरती बात कर रही हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरी माँ। मेरी माँ मेरा पहला प्यार है। मेरी माँ मेरा पहला प्यार है। ज़िंदगी में कितनी भी गलतियाँ कर लूँ, वही मेरे को अच्छा बताती है, दुनिया के लिए बुरी बन जाती है। वो माँ ही होती है जो आपकी हर गलतियों को आपके पिता से छुपाती है, आपकी हर ख्वाहिशों को वो पूरा करना चाहती है। दुनिया में आपको कभी कोई नहीं चाहेगा कि आप एक कामयाब इंसान बने, एक तरक्की करने वाले इंसान बने, आपके पास खूब सारा पैसा हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन सिर्फ एक आपकी माँ ये चाहेगी कि हाँ, मेरा बच्चा दुनिया में सबसे ऊपर जाए, सबसे आगे बढ़े, तरक्की करे। देखो, आज के जेनरेशन में मैं देखती हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जो अपनी माँ को इतना अनरिस्पेक्टली नज़र से देखते हैं, उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, एकदम हाइपर हो जाते हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो बहुत पेन में आ जाती है, बहुत तकलीफ़ में आ जाती है कि उसका बच्चा उसको ऐसा मिसबिहेव करता है, उसके साथ में अनरिस्पेक्ट करता है। तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि देखो, कि मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को मेरी बातें पसंद आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन एक छोटे से बच्चे की तरह सोचिए कि जब आप छोटे से होते हैं तो आप चाहे कुछ भी करें, आपकी अच्छाई बुराई चाहे कुछ भी हो, आपकी माँ वो आपकी हर चीज़ों का एक्सेप्ट करती है, और वही जब हम जवान हो जाते हैं, जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी माँ ने कितनी मेहनत करी होगी हमारे पीछे, हमको उस लायक बनाने के लिए, हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए उसने अपनी कितनी, अपने अंदर अपनी कितनी ख्वाहिशों को दबाया होगा, कितनी चीज़ों को उसने अपने अंदर समेटा होगा कि चलो नहीं, मेरे बच्चे का भला हो जाए, मैं तो बाद में कर लूँगी। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, उसकी माँ को हम धुतकारते हैं, ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं आपके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ अगर आप लोगों को मेरी बातें गलत लगे, लेकिन अगर सही लगे तो प्लीज़ अपनी माँ की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो है तो जहान है, अगर वो नहीं है तो संसार में आप सबसे ज़्यादा अकेले हैं। रिस्पेक्ट योर मदर। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नमस्कार।